मैं बहुत जुगाड़ लगाया, बट ऐसा जुगाड़ महा कसम कभी जिंदगी में नहीं लगाया ऐसा। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, दिस इज मी करण हरिजन एके केल्विन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। और थोड़ा सा चेहरे का साफ सफाई चल रहा है एज बिकॉज मैं धूप में नाच नाच के काला हूँ और ज्यादा काला होता जा रहा हूँ। पता चला एक समय ऐसा आएगा मैं दिन में नहीं दिख रहा हूँ तो इसकी वजह से थोड़ा सा फेशियल केयर। और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक सनस्क्रीन खरीदूँ जिसके वजह से मेरे को थोड़ा सा सन से प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि मैं एकदम वो जो धूप होता है ना उस पर डांस करता हूँ और वो भी अब समर वाला धूप है, तो इसके वजह से मेरे को थोड़ा सा दिखना पड़ेगा। सो आफ्टर वॉशिंग माई फेस एंड ऑल, लेट्स गो टू समवेयर, और समवेयर मुझे भी नहीं पता, बट या जहाँ भी मैं आप लोग को ले जाऊँगा I'll make sure that you will have fun along with me. You will also explore those places. Okay? So, let's go! So, finally, I'm freshed up and मैं लगाने वाला हूँ ये कॉन्वर्स। Wait, रुको मैं आपको आउटफिट दिखाता हूँ। कैसे दिखाऊँ? इधर से भी नहीं दिखेगा। आउटफिट नहीं दिखाता हूँ, बाद में दिखाऊंगा। वैसा कुछ खास नहीं है, बस कॉन्वर्स है, एक जीन्स है, और यह अभी आने वाले हैं क्या नाम है भैया का, ट्रिक्स, मिस्टर ट्रिक्स, ही इज अ पॉपर, और वो मेरे साथ आ रहे हैं और हम दोनों थोड़ा सा मचाने वाले हैं। थोड़ा सा पंप हो रहा है, वे काम आ रहा है राजा जी, सॉरी गाइस। हम जिम वाले को ऐसे होता है कि कुछ दिख जाए ना तो वी स्टार्ट फ्लेक्सिंग, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस। सो अभी मिस्टर ट्रिक्स भैया आ रहे हैं और मैं उनको लेके निकल रहा हूँ, सीधा निकल रहा हूँ मैं इधर, मे बी मिरिक ही जाऊँगा क्योंकि दैट्स माई फेवरेट प्लेस, और मेरे को मिरिक में जितना मजा आता है उतना कहीं नहीं आता है, दिस आई एम नाउ 100% श्योर। आई एम फाइनली रेडी, फुल लाइक ट्रैकिंग वाला वाइफ, एंड इवन आई लव दिस वाइफ, क्योंकि मेरे को बचपन से था, बचपन क्या बड़ा तो नहीं हुआ, छोटे से था कि मैं बड़ा बड़ा बैग लेके ट्रैवल करूंगा हिल्स में। सो ये रही मेरी दादी, दादी बोल हाय। हाय, प्यार से बोल हाय एवरीवन। हाय अभी नहीं, एवरी वन आई लव यू तेरी ये हुई ना बात। अब देखो दिन अच्छा कैसे नहीं जाएगा, दिन अच्छा ही जाएगा, फुल रेडी है फुल पॉलिश्ड एंड ऑल विद अ हेलमेट। और एक चीज मैंने ये सीखा है कि बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव मैन। पहले मेरे को ऐसा रहता था, रुको मैं सेट करके बात करता हूँ। पहले ना मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे पास एक तो बहुत बड़ा गाड़ी होगा, मेरे पास एक तो एकदम 300cc का बाइक होगा, 350 होगा, ड्यूक होगा, ये होगा, बुलेट होगा, जो भी होगा, बट मेरे पास वो कभी नहीं आया। मेरे पास ये स्कूटी था और ये स्कूटी से ही मैं पूरा का पूरा हिल्स अभी तक ट्रैवल किया हूँ। मैं इससे दार्जिलिंग तक पहुंचा हूँ, कालिंपोंग पहुंचा हूँ, मेरी कर्ज से डेली कॉलेज जाता हूँ, डेली घूमता हूँ, मतलब द थिंग विच यू हैव बी सेटिस्फाई विद इट एंड बी हैप्पी विद इट। मैन हिमसेल्फ इज हियर, व्हाट्स अप, ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग, हाय गाइस, दिस इज फ्लेक्स ऑल द वे फ्रॉम इस्लामपुर सिटी रिप्रेजेंटिंग इलीजन टू, ये माय ब्रो इज हियर, ये तो सबको पता, लेट लगा दिया, चलो हम लोग को यही जगह सबसे ज्यादा बेहतर लगा, हम लोग को बेहतर यही जगह लगा इसके लिए, वीडियो शूट के लिए, क्योंकि भैया को था कि एक रील उनको अपलोड करना है और वो रील अपलोड करना है, और हम लोग बेसिकली इधर सुसु करने के लिए रुका हुआ था, बट ये व्यू देख के भाई सुसु करने का मन नहीं कर रहा, यहाँ वीडियो बनाने का मन कर रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दिस इज माई धन्नू शाइनिंग अ लॉट, थैंक यू सो मच धन्नू। देखो भाई व्यू, लिटरली फक, मैं थोड़ा सा आप लोगों को नीचे का व्यू दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो और क्या चाहिए, ठीक है, अभी हम लोग ऊपर जाना है, ट्रिक्स में बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो इधर आए और इस वेदर में सच्ची बता रहा हूँ सुसु करने का मजा ही कुछ अलग है, थोड़ा तो बनता है क्योंकि पहाड़ में अगर आप आते हो ना
एकदम ऐसा सूसू लगता है बहुत ज्यादा क्योंकि ठंड है ना। में बहुत जुगाड़ लगाया बट ऐसा जुगाड़ महा कसम कभी जिंदगी में नहीं लगाया ऐसा जुगाड़ भाई। हम लोग ने ना वो लाना भूल गया, क्या बोलते हैं उसको, ट्राइपॉड लाना भूल गया, जिसके वजह से शूट करने में भी हम लोग का हालत खराब हो रहा है। और मैं स्कूटी को गिरा विरा के यहाँ देख रहे हो मोजा वोजा लगा के, उसके बाद हम लोग को कौन सा व्यू चाहिए पता है, ये व्यू चाहिए। देखो इस व्यू के लिए हम लोग मर रहे हैं गाइस। रील्स आता है ना कसम बोलता हूँ, लाइक कमेंट शेयर वेयर सब मार देना, बाबा भोलेनाथ की कसम कसम बोल रहा है। इतना जुगाड़ तो माँ कसम स्कूटी को बेचारा धनु को सुता उता के किया हूँ, सही है ना? आराम से, सही, बहुत ज्यादा सही है। दैट्स केल्विन ब्रेन, केल्विन्स ब्रेन। थोड़ा एक बार नाच तो। नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, कम से कम एक डेढ़ घंटा हो गया हम लोग इधर अटके हुए नेटवर्क के वजह से, पूरा का पूरा सीन फक्ट अप हो चुका है। ये देखो ये भगवान से दुआ मांग रहे कि नेटवर्क दे दे बस एक बार दिला दे। यार वीडियो नहीं बना और हम लोग को फिर से पैक वैक करके अब निकलना पड़ रहा है। वी मिस दिस व्यू, हम लोग को इधर व्यू में ही वीडियो चाहिए था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये पता है, बट नेटवर्क इतना गंदा और हम लोग पास एक भी डाउनलोडेड सॉन्ग नहीं था। सो नथिंग, लेट्स गो टू मिरिक। ये वाला क्लिप मेरे को भी भेज देना, सारा जो जो मांगे वो दे दूंगा। Guys, the only reason of my happiness is this. The only reason of my happiness. This. देखना कहाँ पे उठ गया। बेटा गिरेगा ना तू, मजा आ जाएगा तेरे को। क्या फ्रेम आ रहा है इसमें? So, as because it's raining, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, इसके वजह से ना हम लोग बस्किंग तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बारिश में भीग के नाचना is not good और स्पीकर भीग जाएगा तो वो बिगड़ गया तो मेरा मतलब वो मेरा जान है। तो नाउ इट्स टाइम टू गो अप, दिस इज ढुपी दाड़ा। और मैंने आइए आइए आराम से आइए। और मैंने बेसिकली ये सोचा कि भैया बहुत समय बाद आए हैं हिल्स ना, बहुत ज़्यादा टाइम बाद आया, तो अगर डांस तो वो डेली ही करते हैं है ना, तो अगर ऑल डे एवरी डे वो डांस ही करते हैं, तो अगर आज उनको थोड़ा सा कुछ अलग दिखाए तो उनको भी अच्छा लगेगा। और इवन मैं भी बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ ढुपी दाड़ा। ट्रिक्स अच्छे से आओ, देखा सांस फूल गया ना मेरा, सांस फूल गया। और यहाँ की जो आंटी लोग है जो यहाँ टी गार्डन में काम करती है वो लोग डेली आना जाना करते हैं, तो सोचो उन लोग का स्टैमिना कितना खतरनाक होगा। थक गया, आ जाओ आ जाओ। दिस इज द फकिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। चलो चलो मैं तो चल रहा हूँ, ये थक गए। अपन खाते हैं फुल प्रोटीन वोटीन, इतना जल्दी रुकेंगे तो नहीं। ये पोल्ट्री मुर्गी आ नहीं रहा। दिस इज द मेन रूट। आराम से, पिछले तो गया दांत मूत सब फूट जाएगा। अब मेरे को लग रहा है कि मैं फुल ट्रैकिंग में आया हूँ। देखो ना लग रहा है ट्रैकिंग पे आए। चले आशो बंधु, चले आशो, एक बार चल से गाड़ी हल्दी वाड़ी। चलो चलो चलो, तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मीना, कभी बना कुत्ता तो कभी कमीना। चल राजा, बस एक बार ऊपर पहुंच जाओ। इतना सारा चिप्स क्या 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 खरीदे, बैठ के खा के उसका मजा लूंगा। मेरे को जिम में लगता है कार्डियो मारना पड़ेगा ब्रो, स्टैमिना घट के ऐसा लग रहा है। कार्डियो इट्स बिकॉज अभी मैं गेनिंग में हूँ ना, सो आई एम गेनिंग माई वेट, उसके बाद मैं कटिंग में जाऊंगा, तो गेनिंग की वजह से मेरा फुल कार्डियो रुका हुआ है, जस्ट चेस्ट लेग्स एंड बैक का वर्कआउट चल रहा है फुल हार्ड। ये तो दिखाई तक नहीं दे रहे, मंजिल और भी अच्छी है। दिस वाज आवर सफर एंड आगे मंजिल है, और मंजिल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। वन मोर टाइम
I want to say a message. I want to send you a message that आप आते हो, प्लीज़ कचरा ना फैलाओ हम लोग के इधर. प्लीज़ ऐसे बॉटल प्लास्टिक वगैरह मत फेंको. सो दिस इज बेसिकली वेयर आई वॉज प्लानिंग टू कम सिंस लॉन्ग. मेरा सांस फुल रहा पाक. हेलमेट वगैरह रख देता हूँ. हाँ अभी फूला क्लाउडी है ना, फुल मिस्ट है तो इसकी वजह से नहीं दिख रहा है, वरना ये नीचे का सारा कुछ दिखता है. कहते हैं मामा भुजिया और ये चला मुंह में. थ्रू ट्रैवलिंग एंड बस्किंग एक चीज तो मैं सीखा हूँ कि लाइक एक होता है जर्नी और एक होता है सक्सेस डेस्टिनेशन. सो आप एक दिन जाके वो सक्सेसफुल जब हो जाओगे तब जाके आप हैप्पी रहने का ट्राई करोगे, नहीं होगा. यू हैव टू बी हैप्पी इन योर जर्नी ओनली एंड नो वन एल्स गना मेक यू हैप्पी. यू योर सेल्फ हैव टू मेक हैप्पी. वेदर समवन इज ब्रेकिंग यू, वेदर समवन इज हेटिंग यू, वेदर समवन इज पुशिंग यू डाउन, दैट डजंट मैटर. बट द ओनली थिंग विच डिपेंड्स अपॉन यू, जो कि आपके हाथ में, कि आप अपने आप को कैसे खुश रख सको. समझ रहे हो? जैसे कि मेरे को ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं क्या करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन. डांस पसंद है, डांस करता हूँ. तो वैसे अगर आप भी डिप्रेस्ड हो या आप थोड़ा सा वरीड हो अपने फ्यूचर को लेके या कुछ भी ऐसे कुछ हो ना, एक बार ट्रैवलिंग करो. देखो आपको लगेगा कि काम अपने जगह और ज़िंदगी अपने जगह. समझ रहे हो आप? बी हैप्पी लाइक मी, फुल हैप्पी. मेरे को बचपन से था कि मैं बड़ा होऊंगा तो ऐसा ट्रैवलिंग करूंगा, बड़े बड़े बैग लेके ऐसा हिल्स में जाऊंगा, उसके बाद हाइकिंग करूंगा, ये वो. भले उतना बड़ा बड़ा हाइकिंग नहीं कर पा रहा हूँ, बट या आई एम ऑन प्रोसेस, मैं स्टेप चल रहा हूँ अभी. समझ रहे हो आपको? सो वॉक फॉर योर ड्रीम्स. छोटा स्टेप लो बट लो, यू नो नथिंग इज बेटर देन समथिंग. नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यू नो. सो कीप गोइंग. मैं तो गलत मोटिवेटर बन जाऊंगा. कोई ना भाई, मोटिवेटर गलत बनू या नहीं बनू, मतलब वही था राजा, खुश रहना है. टाइम टू गो होम. सो ये था अपना जो भी कचरा वचरा था इसमें है, तो थोड़ा सा था, खत्म हो गया. सारा चला गया बैग के अंदर. यहाँ मैंने रखा था अपना कचरा, ये भी गया, ये भी गया, और एक जो जो फूकना है फूक लो आप. सो वी आर डन. हम लोग को थोड़ा सा वीडियो शूट वगैरह कर रहा था, हम लोग ने कर लिया. थोड़ा सा एंजॉय करना था वो भी कर लिया. फुक्कड़. नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड. Let's go back to home. Not home. Now go to have some food. भूख लग गया बहुत जोर से. रिक्शा भाई इसमें तो सच्ची में एक बार लड़खड़ाया ना पैर, गया तेरा का भाव में. Hills will heal you. पता नहीं आज पांडा फूडी होमस्टे भी बंद है और सारा कुछ स्टाफ वगैरह भी नीचे, तो जुगल है नीचे. चलो होता है तो मैं उनको सरप्राइज करता हूँ. हाँ आओ ना नीचे आओ ना. पता चला मैं खुद सरप्राइज हो गया. जुगलदा जुगलदा है या नहीं, नहीं पता. मैं पता नहीं किसका रूम. क्या हाल है? मस्त खुशी देखो. साइड में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था, बट इधर लेक साइड में बारिश नहीं हो रहा था. हम लोग शायद से बस्किंग कर पाएंगे, है ना भैया? शायद से बस्किंग कर पाएंगे हम लोग. तो थोड़ा सा ये फ्रूट चाट वगैरह खा के थोड़ा सा एनर्जी ला लेंगे. इसके बाद लेट्स डू अ बिट बस्किंग और उसके बाद हम लोग प्लान करते हैं कि रात को करना क्या है. बाकी बहुत अच्छा वेदर हुआ है, ना ज़्यादा धूप, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडी. लेट्स गेट एंड स्टार्ट आवर सेटअप. सेटअप सेट करके थोड़े बहुत पब्लिक तो है और इधर बारिश भी नहीं हो रहा है कि नहीं. ट्रिक्स का आज पहला एक्सपीरियंस, पहले तो नहीं, शायद दूसरा तीसरा होगा ना आप बस्किंग करोगे.
तो लेट्स गो। रियली इंजॉइंग अ लॉट, इवन अंकल लोग को भी मजा आ रहा है और मैं भी फुल थक गया हूँ, अंकल अभी भी ताली बजा रहे हैं। सो एट द एंड वी थॉट ऑफ नॉट डूइंग बसिंग टुडे एज बिकॉज इट वॉज रेनिंग अ लॉट, बट स्टिल जो होता है अच्छे के लिए होता है, सो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम लोग ने बस्किंग वगैरह कंप्लीट कर लिया और बस्किंग करते करते अचानक से मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि चार्ज बिल्कुल नहीं था हम लोग के फ़ोन में। तो हम लोग ने बस्किंग वगैरह कर लिया। अभी जो ये पुल है, ये ब्रिज जो मेरी का सबसे फेमस ब्रिज है जो है ना, तो इधर हम लोग एक बार थोड़ा सा चलते हैं कॉफ़ी के साथ, यू नो एंजॉय कॉफ़ी के साथ, ये व्यू के साथ। तो गाइस आफ्टर अ वेरी ब्यूटीफुल डे हम लोग आ चुके हैं नक्सलबारी बैक इन फ्रिक्सदा। इधर है फ्रिक्सदा को अभी बस चढ़ाना है, बस चढ़ा के और मेरे को निकलना है जिम, और फिर कल का भी कुछ अच्छा सा प्लानिंग हो गया तो उसके लिए भी सेटअप वगैरह रेडी करना है, सब कुछ पैक वैक करना है। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और या दैट्स मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इट। तो देखो नक्सलवाड़ी का व्यू इतना अच्छा है, लाइक ये अभी फुल बारिश बारिश हुआ है ना, और मेरे के में भी बहुत ज़्यादा बारिश था, समझ रहे हो। नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्द आ रहा है भाई, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ शेयर भी करो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।